Good morning, students. How are you? Are you fine? Okay. Today we are going to learn previous lesson 2, migration of families. Migration of families. Migration means एक जगह से दूसरे जगह पर जाके रहना. A migration. Families. परिवार एक जगह से दूसरे जगह में जाके रहते हैं कई कारण से. इसके बारे में हम आज लर्न करेंगे. Many families migrate from one place to another. Such a family is Sandhu's. His family lived in a village. He did famine. Due to famine of continuous two years, he faced the problem of earnings. Hence, Sandhu shifted to his nephew's village with his family and her domestic animals. Here we are seeing a family going to next village, from this village to next village. What is the reason? There are continuous 2 years, there is due to famine. Famine means जो अकाल, दो साल से बारिश अच्छा नहीं आता है, इसलिए खेती सारे खराब हो गया. खेती खराब हो गया तो क्या होता है? खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे अकाल हो जाता है, गरीबी हो जाती है, खाने का कुछ नहीं होता, तब लोग परेशान होते हैं. ऐसे स्थिति में उधर का लोग दूसरा जगह में जाके रहने लग जाते हैं. ये माइग्रेशन. There he rented a small house and started searching for work. एक जगह से दूसरे जगह में जाएगा तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? बेसिक नीड, हाउस, रहने के लिए एक स्थान चाहिए. वहां अपने घर नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? दूसरे के घर पे रहने के लिए हम फोर्स करें. इसलिए लोग किराए पे घर ले लेते हैं, उसमें भी छोटा कमरा मिलते हैं. और नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड दे आर सर्चिंग फॉर वर्क. उधर काम भी मिलना चाहिए, कमरे का किराया देना है और खाना के लिए कुछ चाहिए. ये सारे काम के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए हम काम कर रहे हैं. ये सारे चीजें हम ढूंढना पड़े. आफ्टर सम टाइम ही गॉट द जॉब एंड सेटल्ड. कुछ दिन से ढूंढ के उसको कुछ जॉब मिल गया, वहां रहने लगे. इट वॉज नॉट इजी टू लिव देयर. वहां रहना बिल्कुल आसान नहीं. ही मिस्ड हिज ओन विलेज. वो अपना खुद का विलेज मिस हो गया, अपना परिवार और बाकी सारे लोग, अपना गांव. He got the news of good rain this year. After that, उसको ऐसे मैसेज आ गया, उनका विलेज में अच्छा बारिश आने लग गया. Now he shifted to his own village with his family and their cattle. वहां अच्छा बारिश आ गया, खेती सही तरीके से करने का लायक हो गया, तब यहां से वापस अपने गांव में चेंज हो गए. ये अपना लेसन में एक इंसिडेंट देख रहे हैं. रीडिंग करना. थिंक अबाउट व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स संधु हैड टू फेस इन अनदर विलेज. दूसरे विलेज में संधु क्या क्या प्रॉब्लम फेस की. एक नया जगह में गया तब सबसे पहले क्या हुआ था? ही नीड द बेसिक necessity, house and a food and a job. First of all, he need a house. रहने के लिए घर चाहिए. इसके बाद second need work and the most basic need food. खाने के लिए कुछ नहीं है तो हम कैसे जिएंगे? जी नहीं सकते. इसलिए
ये सारे प्रॉब्लम संधू उसी न्यू विलेज में फेस किया था. इफ एनी फ्रेंड इज फ्रॉम योर नियर बाय माय गेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर देन कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट. अपने आसपास जो अड़ोसी पड़ोसी में कोई ऐसे दूसरे जगह से अपने गांव में आके अपना लोकैलिटी में आके रहने लग गया तो ये इंफॉर्मेशन उसमें से कलेक्ट करना. बेसिक एंड माइग्रेटेड प्लेस ऑफ फैमिली वो फैमिली कौन सा जगह से माइग्रेट किया आ गया. रीजंस फॉर माइग्रेशन अपना प्लेस छोड़ के दूसरे उसी फैमिली में कितना लोग रहते हैं. Who helped them? कौन उसको मदद किया. नया जगह में आया तो कोई हेल्प करने वाला चाहिए. आसपास रहने वालों से कुछ पूछेगा. जब आप आते हैं तो पीने के लिए पानी भी उसके पास नहीं होगा. माँ पानी मांगने के लिए जो पड़ोस में जाके मांगेंगे वहां से पानी पियेंगे और छोटा छोटा कुछ जरूरत है तो उससे ले लेंगे. ऐसे कौन उसको हेल्प किया. ऐसा अपना लोकैलिटी में कोई रहने लग गया तो ऐसा माइग्रेशन किया परिवार को उससे पूछ के ये इंफॉर्मेशन लेना. धीरज हैड ए सन एंड ए डॉटर. ही वर्क्ड एज डेली बेसिस लेबर इन विलेज. हिज सन स्टडीड इन 12th एंड ए डॉटर इन 10th क्लास. When his son cleared the 12th class, he got to send him city for higher education. In this lesson, there is another reason. There is a family, they have two children, and one cleared the 12th class exam. So, the family wanted to send him to the city for higher education. He thought if he and his son had lived separately in village and city, then he had to pay double for each day in village living under. After 2 years, his daughter will also need to higher education, so he decided to migrate to the city. अभी अपना बड़ा बच्चा 12th पास हो गया उसको सिटी में भेजना है. उनका लोकैलिटी में हायर एजुकेशन नहीं है और नेक्स्ट उसने सोचा अगर परिवार इधर रहते हैं बेटा सिटी में जाकर रहते हैं दोनों जगह में खर्चा हो जाता है और 2 years के बाद बेटी भी 12th पास हो जाएगा फिर उसको भी सिटी में भेजना है. फिर ऐसे अलग अलग जगह में खर्चा लगाने के लिए उनके पास नहीं है. उसने उसने क्या सोचा सब सिटी में जाएंगे पूरा परिवार वहां रहेंगे वहां काम करेंगे ऐसे सोचा. When he came to city, then faced the problem of rented house. City में जाएगा तो किराए पे मकान मिलने के लिए problem हो जाती है. As the house rents were very high in main city, so he took a house at some distance from the city. Poor city में बहुत ज्यादा किराया होता है इसलिए city से थोड़ा दूर थोड़ा कम पैसा हमें कमरा मिलेगा ऐसे ले लिया. The house rents were very high in main city. Expenditure of city living were high, so he started to work of night watchman. वो दिन में भी एक काम करने लग गया. सिटी में ज्यादा खर्चा होता है हर चीज पैसे में मिलते हैं. विलेज में अपना पीने का पानी के लिए पैसा देने का जरूरत नहीं लेकिन सिटी में जाएगा तो पीने का पानी को भी हम पैसा देना पड़ेगा. ऐसा खर्चा ज्यादा होगा इसलिए उसने क्या किया रात में भी जॉब करने लग गया. रात में एक जगह में जाके जो वॉचमैन का काम करने लग गया. When his children completed their studies, he decided to shift again to his own buildings. वहां ऐसे रहने लग गया. बच्चों को पढ़ाना बच्चों का पढ़ाई पूरा हो गया तब वापस अपने गांव में आने के लिए डिसीजन ले लिया.
You have seen in your nearby that some children have to leave their house for higher education. They do their studies in staying some hostel or other land. ऐसे अपना आसपास के ऐसे बच्चे रहते हैं, रेंट में रहते हैं, नहीं तो हॉस्टल में रहते हैं हायर एजुकेशन के लिए. How many members of your nearby families went out for their house for higher studies or came to your house for that? अपना लोकलिटी में कितना लोग हायर स्टडीज के लिए बाहर जाते हैं, सिटी में जाते हैं? नहीं तो अगर हम सिटी में रहते हैं तो अपने आसपास कितना लोग गांव से आके रहते हैं, इसका एक इंफॉर्मेशन है. इफ यू हैव टू गो अवे फ्रॉम योर होम व्हाट थिंग्स विल यू कैरी विद यू? अगर आप ऐसे अपने घर में से हायर स्टडीज के लिए दूसरा जगह में जाए तो क्या क्या चीजें लेके जाए, एक बार सोच लो, लिस्ट. हम दूसरा जगह में जाने जाके रहना का प्लान बनाया तब क्या क्या चीजें हमको साथ लेके जाना, अपना ट्रेनिंग उसमें क्या क्या चाहिए एक लिस्ट बना. कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट योर फेलो स्टूडेंट हु आर लिविंग इन हॉस्टल. जो हॉस्टल में रहने वाला एक फ्रेंड आपके पास है तो उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें. What type of work they have to done by themselves? हॉस्टल में रहते हैं क्या क्या काम हॉस्टल में खुद करना है? हॉस्टल में रहने वाला क्या क्या करते हैं वैसे? हाँ, कुछ बच्चे अपना घर है ऐसे खुद साफ सफाई करते हैं और अपना कपड़े भी खुद वॉश करते हैं, ऐसे कुछ बच्चे करते हैं. Write the various reasons for migration. माइग्रेशन का अलग अलग कारण क्या है? अभी हमने दो कारण देखा इसी दो इंसिडेंट में, एक गांव से दूसरा गांव में जाने रहने लग गया फैमिली की वजह से, वहां बारिश के धीरे से नहीं था इसलिए. दूसरा फैमिली इसलिए गया, वो फैमिली अपने बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए सिटी में जाके रहने लग गया. उसी तरह और भी रीजन होता है, किसी का पेरेंट्स का जो ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह में, तब भी हम ऐसे शिफ्ट करते हैं. ऐसे सोचो और भी रीजन, अपना आसपास जो आगे रहने वाला है तो उसे पूछ लेना, बहुत सारा रीजन हमको मिल जाएगा. हाउ द चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेटेड पीपल कंप्लीट दिस थिंग्स. जो एक जगह से दूसरे जगह में जाने लगे तो बच्चा अपना एजुकेशन स्टडी पूरा कैसे करते हैं? What type of arrangements have to be done for settlement in a new place? एक नया जगह में जाकर रहने के लिए क्या क्या हम अरेंजमेंट करना है, क्या क्या चीज लेके जाना है, वहां जाके क्या क्या करना है, ऐसा कुछ रहने के लिए कुछ प्लान बनाना चाहिए, इसमें क्या क्या करना है. द फैमिली ऑफ गोविंदराम लिव्ड इन ए विलेज कॉल्ड जनिया. गोविंदराम एक विलेज में रहता है. ही हैड ए स्मॉल ग्रोसरी शॉप इन विलेज. विलेज में उसको एक परचून का दुकान है. ही इज एमिंग फ्रेंड शॉप इज आस्क जस्ट रिक्वायर्ड फॉर लिविंग. ये दुकान से जो मिलते हैं उससे अपना खर्चा चलाते हैं. His children were growing up. One day his cousin came to village and took his both sons with him for doing job in his shop. उनका बच्चे बड़े हो गया तब उसका कसिन आ गया दूसरा विलेज से, ये दोनों बच्चे को लेके गया अपना दुकान में काम करने. He faced the problem as lack of money and the scarcity of space. But he did not surrender in front of problems. उसको ऐसे प्रॉब्लम आ गया, बिल्कुल जो काम चलाने के लिए इसका कमाई पूरा नहीं था और जो काम करने का जगह भी. He faced problems as
lack of money and scarcity of space. पैसा का कमी हो गया और जगह भी कम हो गया. He faced the problem, but he did not surrender in front of the problem. ऐसे प्रॉब्लम आ गया, फिर वो प्रॉब्लम के सामने फेल नहीं हो, वो प्रॉब्लम को फेस करने लगा. हमारे पास पैसे कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाता है, वो प्रॉब्लम को हम सामने करना है, ये प्रॉब्लम को देखे हम पीछे हटना नहीं चाहिए. Their relatives helped them. So his business was running. वो पैसा का कमी होता है तो क्या करेंगे, अपना रिलेटिव से कुछ मदद लेंगे, ऐसे आगे चलाएंगे. ऐसे गोविंदरा बिग he got his old family to the city. वो अपना पूरा फैमिली को सिटी में मिला. Dedicated his younger brothers and sisters. उनका छोटा ब्रदर सिस्टर सबको बुलाया, अच्छा एजुकेशन दिला दिया. Now he is doing his business well, but sometimes he misses his village. अभी अपना धंधा अच्छे से चलता है, बिल्कुल अच्छा एयरिंग मिलता है, लेकिन फिर भी कभी कभी अपना विलेज का याद उसको आ जाता है. Now he is doing his business well, but sometimes he misses his village. They go to village on some special occasions. ऐसे गांव में से सिटी में जाते रहने वाला रोज गांव में जाते नहीं, जाने से कब जाते हैं, हाँ जब स्पेशल ओकेशन, जब त्योहार होता है, नहीं तो मैरिज होता है, बर्थडे होता है, ऐसे स्पेशल ओकेशन में जाते हैं. ये नियर बाय हु इज लिविंग फ्रॉम मोर देन 10 इयर्स. ये अपना लोकैलिटी से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अपना अड़ोस पड़ोस में 10 साल से ज्यादा रहने वाला लोग कौन कौन है, मतलब वहां परमानेंट रहने वाले. What is the difference between them and the peasants who change their house frequently? वो लोगों में क्या स्पेशलिटी है, डिफरेंस हम देख सकते हैं. और who change their house frequently, कौन अपना घर हमेशा बदलते रहते हैं, कौन बदलते रहते हैं, परमानेंट रहने वाला हर साल अपना घर को बेचते हैं, दूसरा घर बनाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं. एक बार परमानेंट बना, एक घर बनाया तो उसी में रहते, लेकिन रेंट में रहने वाला एक साल इसी घर में रह गया, इसके बाद इधर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ये छोड़ के दूसरा घर ले लेंगे, ऐसे रेंट में रहने वाला घर को चेंज करते हैं. Members of this family go to their village for farming in rainy season. ये रहने वाला family में कौन कौन rainy season में खेत में जाते हैं काम करने के. At that time, how their children come to school. उस समय उसके बच्चे कैसे स्कूल में जाते हैं. Who bought their urgent and necessary items from market. ये परिवार में जो पेरेंट्स रेनी सीजन में गेट में काम करने के लिए जाते हैं, तब कौन जाते हैं मार्केट में सामान लेने के लिए, शॉपिंग के लिए कौन जाते हैं. ये सारे अपने आसपास ऐसे रहने वाला लोग हैं तो उनमें से ये इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. Who bought their urgent and necessary items from the market? ऐसा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. There is a town called Galiakot. In district Dungarpur, which have Durga of Peer Fakhruddin, temple of Sheetal Mata, beautifully architected Jain temples and the Somnath temple. When Kadana Dam was built in Gujarat state, then this area has become flood prone area. In rainy season, this town had flooded. Hence, government had prepared new houses and new place for the residents of Galiakot. Government also made schools and hospitals for them. This is called a rehabilitating colony. Some people who did not want to leave their farms and places live there. There is another migration we can see in this incident.
एक गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है डूंगरपुर, उसमें एक उसमें कई चीज है, दरगाह पीर फखरुद्दीन, टेम्पल ऑफ शीतल माता, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, जैन टेम्पल, अंदर सोमनाथ कई अच्छा अच्छा चीज है। उसी जगह में एक डैम भी बनाया, खजाना डैम। वो डैम बना गया तो क्या होता है, वो जगह में पूरा पानी भर जाता है। डैम के डैम क्या है, ये बांध, नदी के बीच में बहुत बड़ा दीवार बनाते हैं और पानी स्टोर करते हैं, ये है डैम। वो पूरे एरिया में नदी का पानी से भर जाते हैं। वहां उसी जगह पहले उस जगह में रहते थे वो सारे लोगों को वहां से हटाना पड़ेगा, सब लोग वहां से जाना जरूरी है, क्योंकि पानी के बीच में रह नहीं सकता, सब जाएंगे वहां से। फिर सरकार उसके लिए अलग जगह में घर बनाए दे देते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल बनाते हैं, उनके लिए स्कूल्स बनाते हैं, सारे चीजें सारे सुविधा और फैसिलिटी सारे दे देते हैं। ऐसा माइग्रेशन को बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेट मींस एक जगह में ऐसा काम बनाते हैं, ऐसा कुछ काम करते हैं सरकार, वहां का लोगों को दूसरा जगह में कॉलोनी बना के, घर बना के, सारे सुविधा बना के वहां रहने के लिए देते हैं। ये है हैबिटेट, हमारा आवास को हैबिटेट, रिहैबिलिटेट, ये हमको रहने का वो व्यवस्था को दोबारा करते हैं। सारे अपना पहले का घर छोड़ के दूसरा कॉलोनी में जाके रह रहे, इसको बोलते हैं रिहैबिलिटेटिंग कॉलोनी। सम पीपल हु डिड नॉट वांट टू लीव देयर फ्रेंड्स एंड प्लेसेस, इन दिस कंडीशन कुछ लोग अपना जगह छोड़ना नहीं चाहते। अगर इधर डैम बनाएगा तो इधर का सारे लोग जाना तो जाना ही, लेकिन कुछ लोग अपना जगह छोड़ के, अपना खेती को छोड़ के जाना नहीं चाहते, उसको जबरदस्ती दूसरा जगह में बिठा लेके जाते हैं, उधर रहने के लिए ले जाते हैं। ये सारे माइग्रेशन, तीन चार टाइप की माइग्रेशन हम इसी लेसन में देखा। लेसन को वापस रीडिंग करना और समझ में आएगा। इसमें जो डिस्कस करने के लिए दिया वो क्वेश्चंस अपना लोकैलिटी से कलेक्ट करने के लिए दिया, वो सारे जितना आपसे हो जाएगा उतना कर लेना। Why people had to leave their house after the construction of dam? Dam बनाने के समय एक जगह में dam बना देते, क्यों लोग वहां से जाना है, खुद लिख सकते हैं, कोशिश करो एक बार। Why the dam has been constructed? Dam इसलिए बनाते हैं, क्यों बनाते हैं dam? Dam क्यों बनाते हैं? वो तो पता है पानी का स्टोरेज के लिए। वो पानी से हम क्या करते हैं, डैम का पानी से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, और जहां पानी नहीं है उसी जगह में ये डैम से कनाल के द्वारा पानी पहुंचा सकते हैं और खेती के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे कई फायदा होता है डैम बनाने से। इफ यू गॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप ए न्यू प्लेस, then what type of primary facilities you will try to provide the people? अगर एक जगह का उन्नति आपके द्वारा देने के लिए एक काम दिया तो वो लोगों के लिए आप सबसे पहले क्या क्या फैसिलिटी बनाएंगे? एक जगह बिल्कुल उन्नति नहीं है, वहां लो क्लास में रहते हैं और सबसे बड़े क्या क्या फैसिलिटी, प्राइमरी फैसिलिटी क्या क्या आप दे सकते हैं? सबसे पहले हम ये देखना चाहिए सबको रहने का व्यवस्था चाहिए, वो हम दे सकते हैं। सभी को घर आ गया तो पीने का पानी चाहिए, पीने का पानी का व्यवस्था बनाना चाहिए। रहने के लिए घर मिल गया तो और पानी का व्यवस्था, पानी
पैनल भी मिल गया था, नेक्स्ट अपना नीड है लाइट का व्यवस्था, लाइट भी आ गया था, फिर हम क्या सोचेंगे, अच्छा रोड हमको चाहिए, वो भी बनाएंगे, और ऐसे एक-एक फैसिलिटी हम सबको ऐसे बनाके-बनाके आगे बढ़ेंगे। ये सारे हो गया तो फिर हम टॉयलेट बाथरूम का फैसिलिटी वो भी देखेंगे, ये भी हमको जरूरत है। ऐसे एक-एक बेसिक फैसिलिटी हम बनाने के लिए कोशिश करेंगे, ऐसे करना है। इनिशियली द नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वाज फूड क्लोथ एंड हाउस। सबसे पहले बेसिक नीड्स फूड क्लोथ एंड हाउस। सबसे पहले हमको खाना चाहिए, ये हमारा बेसिक नीड है। एंड खाना मिल गया तो फिर कपड़ा, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, फिर रहने के लिए घर चाहिए। बट नाउ इट टर्न्स टू फूड क्लोथ हाउस एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड फैसिलिटीज। बेसिक नीड्स फूड क्लोथ एंड हाउस, ये इतना मिल गया तो फिर हम हमारा जरूरतों को हम आगे बढ़ाएंगे। फिर क्या चाहिए हमको, एजुकेशन चाहिए, घर पे बैठना नहीं। फिर एजुकेशन हो गया तो पढ़े लिखे हो तो फिर जॉब चाहिए, काम करना चाहिए, ऑन फैसिलिटीज और अच्छा अच्छा सुविधा चाहिए। दैट इज व्हाई पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेजेस। ये सारे फैसिलिटीज के लिए लोग विलेज से सिटी में माइग्रेट करते हैं। समझ में आया? रीड द लेसन वेरी केयरफुली एंड यू विल गेट सम पीडीएफ आल्सो फ्रॉम दिस लेसन। That is also do in the notebook and the land very well. And there are some new words in this lesson. Read this lesson and the land spelling also. Migrates, continuous, shaped, settled, rendered, problem, information, basic, expenditures, required, surrender, occasion, rehabilitate, food, flood prone, construction, responsibility, employment, facilities, profession. These are some new words, I think. This also can be done. अगर आपको इस words का कुछ हिंदी अर्थ समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे? पहले भी हम करते थे, एक डिक्शनरी लेना, उसमें से ये वर्ड्स ढूंढ के इसका हिंदी अर्थ समझना, अपना नोटबुक में एक रफ नोटबुक में लिख के रखना, फिर वो भी लर्न करना। डिक्शनरी जो वर्ड्स समझ में नहीं आया, इसका हिंदी समझ में नहीं आया, तुरंत इसका हिंदी अर्थ डिक्शनरी से निकाल के वो भी समझ के लेसन रीड करके आगे जाना। ओके, थैंक यू।